वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गवर्नेंस ऑफ पुलकेशी, गवर्नेंस ऑफ साउथ इंडिया। सिंपल समझिए तो उस समय का जो रीजन था, समय था, उस समय कैसे गवर्नेंस चलता था उसको समझना है, क्योंकि पुलकेशिन के बारे में, ऐहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में कल बता चुके हैं हम पिछले वीडियो में। शुरू करें, चलिए। तो गवर्नेंस जो चलता था, प्रशासन जो चलता था, वो सामंतों की मदद से चलता था। पहला बात ये कहता है एनसीईआरटी, सामंतों की मदद से चलता था। इसका मतलब सामंत कौन थे सभी जानते हैं, बट होता क्या है सामंत, किसको कह सकते हैं सामंत, ये नहीं लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बट कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो सामंत देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से आप लोग। कोई इंसान, मान के चलिए एक राजा है, आप अपने गांव का नाम लीजिए, चलिए पटना ले लेते हैं। तो एक इंसान है, वो पटना का राजा है, क्लियर है। अब पटना का राजा है एक इंसान, तो क्या सिर्फ वही राजा अमीर होगा और कोई अमीर वगैरह नहीं होगा? तो बाकी लोग भी, कई सारे लोग अमीर होंगे, यानी अमीर वर्ग, अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए, जमाना चल रहा है प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट इंडिया का, उस समय अमीर होता कौन था? क्या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता था वो अमीर होता था? एलन मस्क जैसा कोई बनता था? तो एलन मस्क जैसा तो कोई था नहीं। जो लोग बहुत बड़े किसान होते थे, बड़ा बड़ा किसान, वही उस समय अमीर कहलाता था। बड़ा किसान तो ज्यादा अमीर, छोटा किसान कम अमीर, तो अमीर वही लोग कहलाता था। या आप कह सकते हैं बिग लैंड लॉर्ड्स, बड़े बड़े जमींदार। तो किसी राजा के राज्य में कई सारे लैंड लॉर्ड्स होते हैं, किसी राजा का बहुत बड़ा राज्य है, जैसे मोदी सरकार का अभी राजा, मतलब राजा नहीं कह सकते हम उनको, पीएम है, बट कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के तो वो राजा हुए अभी। तो राजा तो मोदी जी हैं, बट अमीर तो कई सारे लोग हैं उनके राज्य में भी, मुकेश अंबानी हैं, गौतम अडानी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। हम लोग नाम तो थोड़े मतलब ध्यान में नहीं है अभी, बट बहुत सारे लोग अमीर हैं, बहुत सारे लोग अपर मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास तो बहुत ज्यादा है ना, और हम लोग जैसे मिडिल क्लास भी लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास भी लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि राजा बहुत सारा हो सकता, सॉरी राजा एक ही होगा, बट उसके प्रशासन में अमीर लोग बहुत सारे होंगे। बट उस जमाने में अमीरी अगर चाहिए तो खेत बढ़ाओ, खेत बढ़ाओ, खेती बढ़ाओ और बड़ा जमींदार बन जाओ, ठीक है। अब जो बड़ा जमींदार बन जाता था उस जमाने में, वो खुद से काम नहीं करता था, तो वो किससे काम करता था? तो मैन पावर रखता था, यानी लोगों को रखता था, बहुत सारे लोगों को अपने खेत पे काम करने के लिए रख लेता था, क्लियर है। तो ऐसे जमींदारों के पास, उस राजा के साम्राज्य के बड़े जमींदारों के पास, उस किंग के एम्पायर के बिग बिग लैंड लॉर्ड्स के पास, है ना, उन लोगों के पास क्या होता होगा बताइए? लोग होते होंगे जो कि कैसे होते होंगे, लैंडलेस फार्मर्स नहीं होते हैं, किसी और के यहां जाके मजदूरी कर रहे हैं जमीन पे, वो तो लैंडलेस फार्मर्स आप कह सकते हैं। बहुत सारे होते थे मजदूर वगैरह इसके जमीन पे काम करने के लिए, तो इस बहुत सारा हुआ तो इसको कह सकते हैं, ये सब सब आदमी ही हुआ ना, ये लोग भी तो आदमी हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मेन पावर हुआ, है ना, मेन पावर, जमींदार का ये मेन पावर हुआ। और क्या है, इतना मेन पावर रखने के लिए आपको पैसा तो होना जरूरी है, कैश होना हो, प्रॉपर्टी होना जरूरी है। तो प्रॉपर्टी जिसके पास होगा तो हम कह सकते हैं कि उसके पास प्रॉपर्टी है, मतलब मनी पावर हुआ। क्या पावर हुआ? मनी पावर हुआ। यही दो वर्ड से बना है सामंत, मेन पावर और मनी पावर। तो सुनिएगा ध्यान से, वैसे बड़े लोग, लैंडलॉर्ड्स, बिग लैंडलॉर्ड्स, ऐसे लोग, बड़े लोग, वैसे कोई बहुत बड़ा मर्चेंट है ना, बहुत बड़ा व्यापारी, कोई भी, तो अपने अंडर बहुत सारे लोगों को रखेगा, बट बेसिकली जमींदार लोग ही ज्यादा बड़े होते थे, वही एक्स्ट्रा में व्यापार भी कर लेते थे, साइड बिजनेस, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, तो वैसा इंसान राजा के साम्राज्य में या राजा के अगल बगल में, वैसा इंसान जो पावरफुल होता जा रहा है, कैसा पावर? तो मेन पावर और मनी पावर दोनों से पावरफुल होता चला जा रहा है। तो राजा उसको एक प्रस्ताव देता था, वो कहता था कि आप तो मेरे मातहत हैं, आप क्या हैं, मेरे राइट हैंड बन जाइए। मातहत सामंत को ही कहते हैं। तो आप एक काम कीजिए, मेरे साथ एक ट्रीटी कर लीजिए, आप मेरे राइट हैंड बन जाइए और हम आपको सामंत कहेंगे, आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, सब चीज चलेगा सही से, और जब हम खतरे में आएंगे, जब कहीं और से अटैक होगा,
तो आप अपने मेन पावर को हमको दीजिएगा, हम उसको ले जाएंगे लड़ाई में, लड़ाई करवाएंगे। क्लियर है? अच्छा, राजा क्या बोला कि आप बड़े लोग हो गए हैं भाई जमींदार, मेरे ही साम्राज्य में है, बट आप भी पावरफुल है, आपके पास मेन पावर है, मनी पावर है, तो आप एक तरीके से मेरे किंगडम में एक मेंबर बन जाइए, मेरे से दोस्ती का हाथ मिलाइए। और क्या कीजिए, तो और एक काम कीजिए कि आप वो कर लीजिए, जब भी हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं हम उनको पेमेंट भी देंगे। पेमेंट कैसे देंगे उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और बदले में आप क्या कीजिएगा कि मेरे प्रति वफादार रहिएगा, और दूसरा जब कभी कोई हम पे अटैक करे तो आप अपना आदमी सब जो भीड़ लगा के रखे हैं सबको भेज दीजिएगा, तो हम उसके मदद से जीत जाएंगे। क्लियर है? तो सामंत किसको कहा जाता था? वैसा इंसान जिसके पास मेन पावर हो और प्लस में मनी पावर हो। तो मेन पावर प्लस मनी पावर जिसके पास होता था उसको सामंत कहा जाता था। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे। तो मेन पावर प्लस मनी पावर जिसके पास होगा तो उसको सामंत कहेंगे। क्लियर है? वो राइट हैंड कहलाएगा राजा का। क्लियर है? अब एक बात बताइए, ये अमीर लोगों को राजा अपने और क्यों करता था? तो बता चुके हैं आपको, हम बता चुके हैं ना, राजा प्रोटेक्शन के लिए करता था कि मतलब अगर जरूरत पड़े तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा, जब हम पे अटैक होगा मेरे साम्राज्य पे, तो और आप लोग मेरे एक तरीके से राइट हैंड जैसे रहिएगा। क्लियर है? अब समझिए, तो राजा को दो दो फायदा, कभी जब जरूरत पड़ा तो पैसा भी ले लिए, और मेन पावर तो है ही। ऐसा नहीं है कि राजा के पास सेना नहीं है, बट बताइए पुराना जमाना में राजा लोग परमानेंट आर्मी नहीं रखता था, हमेशा सेना नहीं रखता था। जब झगड़ा होगा ना, सबको दौड़ा दौड़ा के बुलाएगा, सारे सामंत को फोन मिलाएगा, है ना, ये भेजो अपना अपना आदमी भेजो, अपना अपना आदमी भेजो, ठीक है, क्योंकि परमानेंट आर्मी रखने से पैसा लगेगा ना, इसीलिए। मतलब सारे ऐसे नहीं थे, मौर्यन साम्राज्य अपना परमानेंट आर्मी रखता था। क्लियर है? अब ये जब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो राजा लोग परमानेंट आर्मी नहीं रखते थे पैसा बचाने के लिए, और जमींदार लोग के यहाँ जो लोग काम करता था, जब लड़ाई होता था तो उसी को बोलते थे भेज देना। इससे दो बात होता था, राजा जब जमींदार को सामंत बना लेता था तो उसको कुछ कुछ फायदा होता था। पहला कि अगर ये पावरफुल है तो हो सकता है ये विद्रोह कर दे मेरे खिलाफ और खुद को राजा बना ले छोटे एरिया का, तो क्यों ना हम इसको अपना दोस्त मान लें या अपना राइट हैंड मान लें, मतलब इसको थोड़ा इज्जत दे देंगे तो ये सोचेगा राजा बहुत अच्छे हैं, राजा के साथ तो बेईमानी करना ठीक बात नहीं है। तो ये क्लियर है? तो इसीलिए राजा जो है सामंत बनाते थे ताकि रिवोल्ट ना हो। दूसरा, परमानेंट आर्मी का खर्चा बहुत ज्यादा होता था, तो इन लोगों के पास मैन पावर था तो जब जरूरत पड़ता था तो मैन पावर का यूज करते थे, राजा बोलते थे भेज दो। तो ये सब कुछ कारण था जिससे राजा सामंत से जुड़े। सामंत राजा से क्यों जुड़े, ये भी एक बात है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ से फायदा होना चाहिए, एक तरफा फायदा से तो क्या ही कोई कर लेगा, पैरासाइटिक रिलेशनशिप थोड़े चलेगा। तो सामंत इसलिए जुड़े कि मान के चलिए कोई एक जमींदार है, पहले वो छोटा जमींदार था, फिर वो बड़ा जमींदार बन गया, और अब मार्केट में अगर उसके बगल में राजा आके बैठेगा, सोचिए उसका कितना इज्जत पानी बढ़ जाएगा। तो इज्जत पानी बढ़ाने के लिए ही जमींदार राजा के सामंत बनने के लिए तैयार हो जाते थे, पहला तो ये। दूसरा कारण ये था कि जमींदार के पास तो बहुत सारा जमीन, उस पे उसको काम करने के लिए लेबर रखना ही पड़ता था, उस लेबर को पेमेंट करना पड़ता था किसको, जमींदार को अपने पॉकेट से। और वही अगर जमींदार राजा का सामंत बन जाए तो सेम ही लेबर का पेमेंट राजा करेगा अपने पॉकेट से। तो राजा कैसे कैसे उन लेबरर्स को पेमेंट करते थे, जो जमींदार के यहाँ काम करने वाले मजदूर होते थे ना, जिसको मेन पावर कह रहा है, इन्हीं मजदूरों को, इन्हीं भीड़ को राजा लड़ाई में लेके चल जाता था। ये लोग कोई सैनिक नहीं रहते थे, ट्रेंड सैनिक नहीं रहते थे, ये भीड़ रहते थे। अगर भीड़ लड़ने जाता है ना तो हम उसे मिलिट्री नहीं कहते, मिलिशिया कहते हैं, भगदड़, भीड़। और अगर ट्रेंड सैनिक लड़ने जाता है तो उसको मिलिट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये मजदूर रहते थे और राजा इसको लेके चला जाता था झगड़ा करवाने के लिए। इसीलिए तो भारतीय राजा लोग बहुत ज्यादा हारा, हम लोग देखते हैं मुगलों से हारा, कई बार हारता गया, हारता। इब्राहिम लोदी का भीड़, मतलब बाबर का कुछ ही हजार में सेना था, इसका कुछ लाख में सेना था, बट जब लड़ाई चालू हुआ तो पता चला कि सेना तो इसका सब सारा का सारा गधा है। सॉरी, साइड में अगर किसी को
रुक जाइए, साइड में अगर किसी को बुला के पूछ ले एक बार तो बताता था कि भाई हम तो खेती करते थे, अभी अचानक से आ गए हैं फील्ड में, मौका मिला तो सोचे तलवार भांज लेते हैं। कोई कहता था हम तो पढ़ाते थे, मौका मिला तलवार भांजने आ गए, है ना। ऐसा यानी कि ट्रेंड नहीं होता था। इब्राहिम लोदी में भी, इब्राहिम लोदी का जो लोग थे, जो लोग मजदूर लोग, वो लोग माने उसके सेना में जो लोग आए थे, उसके सामंतों के द्वारा जो भेजे गए थे, तो वो लोग ट्रेंड नहीं थे, बाबर की सेना ट्रेंड थी, इसीलिए तो हारा वो। चलिए देखिएगा, तो ये मजदूर जिसको हम लोग मैन पावर कह रहे हैं, तो इस सामंत इस जमींदार को तो पेमेंट देना ही पड़ता ना इसको, मगर राजा बोला कि भाई हम तुमको पेमेंट दे देंगे इन लोगों को रखने के लिए, तो डबल फायदा, काम मेरा होगा, खेती मेरे यहाँ है, काम ये मेरे यहाँ करेगा, और जब लड़ाई होगा तो जाएगा अपना लड़ने, मरेगा तो ये लोग मरेगा, और दूसरा क्या, सालाना पेमेंट राजा देता रहेगा। पेमेंट किस तरीके से दिया जाता था, तो कुछ राजा कैश दे देते थे, बट ऐसे राजा बहुत कम थे। कुछ राजा सामंत को कहते थे कि सुनो, मेरे पास एक जमीन है, एक गांव है, मेरे साम्राज्य में एक गांव है, तो उस गांव को हम तुम्हारे नाम कर देते हैं, वो गांव आज से तुम्हारा हुआ, तुम्हारे कंट्रोल में हुआ, ना कि हमेशा के लिए, जब तक तुम मेरे सामंत हो तब तक वो गांव तुम्हारे कंट्रोल में है, और वहां से जितना भी हम कर लेते थे अलग अलग, जैसे सिंचाई कर, जैसे बिजली कर, बिजली तो उस समय था ही नहीं, सिंचाई कर हो गया, या बाकी जो भी कर, घर का कर हो गया, गृहस्थी कर, जो भी कर, जो भी टैक्स हम लेते हैं वो सारा तुम ले लेना, और वही टैक्स का पैसा से इन लोगों को क्या दे देना, इन लोगों को सैलरी दे देना। तो दोनों का फायदा था, सामंतों का भी फायदा था, यानी जमींदार जो राजा के सामंत बन जाते थे उनका भी फायदा था, और राजा को भी फायदा था जमींदारों से जुड़ जाने के बाद, क्योंकि वो विद्रोह नहीं करते थे, क्योंकि परमानेंट आर्मी में राजा को ज्यादा खर्चा लगता था, उससे अच्छा है कि जमींदार को ही दे दो। क्लियर है यहां तक का? क्लियर है कि आखिर कैसे सामंत बने, बोलो। अब ये अगर क्लियर है आपका, तो एक बात तो क्लियर है कि गवर्नेंस में सामंतों का, एक नई प्रकार की सेना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। सामंत क्लियर हो गया। अगला क्या किया गया, कुछ कुछ सामंत ऐसे हुए जो लॉयल हुए, कुछ कुछ सामंत ऐसे हुए जो लॉयल हुए, बड़ा प्यारे प्यारे हुए, राजा के प्रति काफी वफादार हुए। जैसे हम सामंत हैं, जमींदार हैं, हम अपने लड़का को भेज दिए जाओ राजा के यहाँ एक पोस्ट भी ले लेना। हम अपने जमींदार है पटना के जमींदार हैं, हम पटना रह रहे हैं, दिल्ली में राजा को हम जा नहीं सकते हैं वहां पे, तो हम अपने लड़का को बोल दिए कि ठीक है, जैसे समझिएगा, मान के चलिए हम बिहार के सीएम बन जाए, एक एग्जांपल लेते हैं, तो बिहार के सीएम अगर हम बन गए, तो अब मोदी जी बोले कि आइए जरा यहाँ पे शिक्षा मंत्री का पोस्ट देंगे, तो हम सोचेंगे कि बिहार के सीएम है, यहाँ को कैसे, या बिहार को कैसे छोड़ के जाए, तो हम अपने लड़का को भेज देंगे कि वहां का शिक्षा मंत्री आप मेरे लड़का को बना दीजिए। क्लियर है? तो ये सेम चीज, तो सामंत लोग अपने बाल बच्चा को भेजने लगे, जाओ राजा के यहाँ तुम लोग काम भी कर लेना, जो लॉयल सामंत थे। तो कई सारे लोग आए, तो उनके लॉयलिटी को देखते हुए, उनके सपोर्ट को पाने के लिए राजाओं ने बड़े बड़े पद को अनुवांशिक बना दिया, यानी हेरिडेटरी बना दिया, मतलब बाप के बाद बेटा बनेगा, बेटा के बाद उसका बेटा, फिर बेटा उसके बाद उसका बेटा, ठीक है। तो हेरिडेटरी पोस्ट होने के वजह से कुछ फायदा भी हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ। फायदा ये हुआ कि कुछ लोग ये सोच लिए कि ये मेरा पोस्ट है, मतलब कि क्योंकि हेरिडेटरी है ना, तो मेरे पापा का नाम खराब हो जाएगा कि क्या पंडित जी वो थे और ये कैसे पंडित जी हैं, उनके बेटे है ना, तो इस तरीके से हेरिडेटरी होने की वजह से। फिर दूसरा ये था कि अगर हम अच्छे से नहीं काम करेंगे और राजा अनुवांशिक पद हटा दे तो, है ना, मतलब अनुवांशिकता हटा दे, बोले कि नहीं नहीं इसका, ये बेकार आदमी है, इसका बेटा वहां बेकार होगा, छोड़ो इसको नहीं बनाएंगे, तो इस डर से भी काम अच्छे से किए। और कुछ ऐसे सामंत हुए, कुछ ऐसे माने मंत्री लोग हुए जो कि अनुवांशिक पद देख करके, माने हेरिडेटरी है, हम ही बनेंगे, फिर मेरा ही बेटा बनेगा, कुछ ज्यादा ही सुस्त हो गया कि यार क्या ही काम करने का जरूरत है, पोस्ट तो फिक्स है, मेरा ही बेटा बनेगा, फ्यूचर तो फिक्स ही है, फ्यूचर सिक्योर है, तो दोनों ही घाटा फायदा दोनों हुआ। इसके बाद क्या किया गया, कुछ लोग सामंत तो कई सारे बने, पोजीशन भी कई लोगों को मिला, उसमें से कुछ ऐसे थे जो निकम्मा नकारा की तरह बस बैठ के रहते थे, कुछ ऐसे थे जो मेहनत भी करते थे, अपना पोस्ट का इज्जत रखते थे। अब कुछ लोग उसमें से भी काबिल जो हुए, बहुत ज्यादा लॉयल वगैरह हुए, थोड़े चम्मच किस्म के हुए, तो उनको मिला, एक ही इंसान को बहुत सारा पोस्ट भी मिला। ऐसे ऐसे भी लोग हुए जिनमें एक ही इंसान को, जो अच्छा काम करता था, उसको कई सारा पोस्ट दे दिया जाता था, एक तरीके से उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए, इंसेंटिव को ऊंचा करने के लिए, मोटिवेशन एकदम मोटिवेटेड रखने के लिए, उसको समझते हैं। तो सिंगल पर्सन सो मेनी पोस्ट,
एग्जाम्पल है हरिसेन। समुद्रगुप्त के जो राज कवि थे हरिसेन, उनके पास बहुत सारा पोस्ट था। पहला तो ये कि वो अपने पापा के ही पोस्ट पे आए थे, ठीक है। महादंड नायक थे हरिसेन के पापा, समुद्रगुप्त के यहाँ महादंड नायक थे। महादंड नायक मतलब जो न्याय करता है, वो पनिशमेंट देता है, न्याय करता है वो। तो उसके बाद जब समुद्रगुप्त, हरिसेन के पापा जब ये हो गए, रिटायर हो गए, तो उसके बाद हरिसेन उस पोस्ट पे आ गए। हरिसेन के काम को देख करके समुद्रगुप्त उनको अपना राजकवि बना लिए। फिर हरिसेन के काम को देख करके समुद्रगुप्त उनका उनको अपना इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, जिसको कुमार अमात्या कहते हैं, वो बना दिए। इसके बाद हरिसेन इतने चालाक थे और बात में इतना प्यारा प्यारा बात करते थे, मैनिपुलेटिव स्पीकर, इलोकेंट स्पीकर आप कह सकते हैं, मतलब बढ़िया स्पीकर, अपने बात में एकदम घोल मट्ठा कर दे, मतलब मीठी वाणी वैसा। तो हरिसेन का ऐसा एटीट्यूड देख करके कि दिमाग के साथ प्यार से बोलता है, उसको संधि विग्रहक बना दिए। संधि विग्रहक मतलब ऐसा इंसान जो झगड़ा के समय में संधि करवा दे, ठीक है। तो दोनों ये बहुत सारा पोस्ट हरिसेन को मिला। इससे भी लॉयल इंसान को बहुत सारा पोस्ट मिलने से, या किसी मेहनती इंसान को अगर आप ज्यादा उस पर ये दीजिएगा, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, तो जाहिर सा बात है आपका साम्राज्य स्टेबल रहेगा। अब लोकल गवर्नेंस यानी स्थानीय प्रशासन का भी बड़ा मदद लिया गया। सिर्फ जमींदारों को ही सामंत नहीं बनाया गया, स्थानीय प्रशासन को भी काफी बड़ा मदद लिया गया। देखिए, जमींदारों को सामंत बनाया गया क्योंकि उनके पास मेन पावर था, बट व्यापारियों के पास मेन पावर उतना होता ही नहीं, और ना ही उनके पास इतना फालतू का फुर्सत है जो राजा जी सलाम करते हैं और ये सब करते चलेंगे। उनके पास फुर्सत कहाँ है, वो लोग अपना काम में बिजी रहते हैं, ठीक है, और एक जगह रहते भी नहीं है। कभी उस विदेश जाके वहां पे बेचना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, तो वो लोग बिजी मैन है, तभी तो बिजनेसमैन कहते हैं। तो इन लोगों को कहा गया कि बस इज्जत दो, इज्जत दो, मतलब एड मत करो साथ में, बट इज्जत दो, उनका भी बात सुनो। तो संस्था था स्थानीय प्रशासन में, लोकल लोग कुछ कुछ संस्था बनाए थे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, आप उसको देख लीजिए। जैसे नगरम, लोकल लेवल पे एक संस्था था साउथ इंडिया में, जिसका नाम था नगरम। नगरम नगर के व्यापारी यानी शहर के व्यापारियों, जो लोग मतलब शहर में अपना दुकान खोल दिए इस तरीके का, उसका संस्था था। सारे शहर के व्यापारी उस संस्था से जुड़े हुए थे और उस संस्था का नाम था नगरम। नगरम को, नगरम का जो हेड होता था, जो मेन अध्यक्ष होता था, उसको कहते थे नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी आप देखेंगे इसी श्रेष्ठी टर्म से आगे चल करके बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है बने, उनका टाइटल हुआ सेट्टी, सेट्टी कहा गया। चलिए आगे। अब ऐसे बिजनेसमैन जो नगरों में रहकर व्यापार करते थे, उनकी संस्था, उनके संस्था को नगरम कहते थे और उस नगरम के हेड को नगर श्रेष्ठी कहते थे, ठीक है। मगर ऐसे बिजनेसमैन जो घूम घूम के व्यापार करते थे, देश विदेश जा जा के व्यापार करते थे, उनके संस्था को काफिला कहते थे और काफिला के हेड को सार्थवा कहते थे। कारवा कह सकते हैं, काफिला को कारवा भी कह सकते हैं। और कारवा का जो हेड होता था, जो अध्यक्ष होता था, घूम घूम के व्यापारी वाला का अध्यक्ष सार्थवा होता था। इसी तरीके से जो मजदूर वर्ग, मजदूर नहीं कह के कहिए, आर्ट्स, आर्टिशंस माने आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कह सकते हैं, आर्टिशंस कह सकते हैं, कलाकार शिल्पकार, इन लोगों का जो वर्ग था, पूरा एक ग्रुप था, जिसको हम लोग श्रेणी कहते हैं, श्रेणी। और श्रेणी वर्ग का जो हेड होता था, उसको हम लोग प्रथम कुलिक कहते थे। इन लोगों से राजा हमेशा मिलता था, इन हेड्स से, और राय विचार लेता था, टैक्स वगैरह कलेक्ट करता था, मदद करता था, बहुत सारा चीज करता था। क्लियर है, यहां तक का क्लियर है। इसके अलावा राजा एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पे बड़ा ज्यादा ध्यान देता था, और वो था लिपिक। लिपिक जो लोग लिखते हैं, किताब वगैरह लिखते हैं ना, उन लोगों को राजा पोट के रखता था, रह रहे बुलाता था, दो चार सोना दे दिए, दो चार कुछ दे दिए, ताकि लिपिक अगर लिखे कुछ तो उसमें राजा का बुराई करें, राजा के प्रशासन का बुराई नहीं, राजा का बराई करें, राजा के प्रशासन का बराई करें, और इससे उसका नाम हो। क्लियर है, तो ये भी क्लियर है। अब बात करते हैं सभा इन साउथ इंडिया। एक बार टाइम पूछ लेते हैं, 19 मिनट, तो हाँ अभी आगे देखते हैं। देखिए, सभा इन साउथ इंडिया क्या है, इसको भी समझ लेते हैं, खत्म ही हो जाएगा। अब तो देखिए, साउथ इंडिया के बारे में तो वैसे बहुत सारा बात है, बट वो चोल साम्राज्य 7th क्लास में पढ़ना है, तो छोटा मोटा बात जो कि इसमें आपके 6th क्लास में दिया हुआ है, तो ये है कि साउथ इंडिया में एक ग्रुप था, उसको सभा कहा जाता था, ठीक है। साउथ इंडिया में एक ग्रुप था जिसको सभा कहा जाता था। तो किसको सभा कहा जाता था, तो ब्राह्मण जो होते हैं ना, ऐसा गांव जहां पे ब्राह्मण ही किसान हुआ करते थे, या ब्राह्मणों का ही वर्चस्व था, कोई और होता भी नहीं था उस गांव में। तो ऐसे गांव में जो लोगों का सभा होता था, लोगों का ग्रुप होता था, तो उसको क्या कहते थे,
ऐसे ग्राम सभा को सभा कहा जाता था। ऐसे ग्राम के, ऐसे गांव के असेंबली को, जहां पे ब्राह्मण रहते हो, ब्राह्मण किसान, ब्राह्मण लोग रहते हो, किसान भी ब्राह्मण ही है, ऐसे लोग रहते हो, तो उसको हम लोग, वैसे गांव के सभा को, वैसे गांव के असेंबली को सभा कहा गया, ठीक है। साउथ इंडिया में ब्राह्मणों के गांव का सभा, ब्राह्मणों के गांव का असेंबली, उसको सभा कहा गया। पूरे कई सारे गांव का नहीं, एक गांव है जिसमें केवल ब्राह्मण रहते हैं, तो वो लोग जो ग्रुप बनाएंगे उस गांव को चलाने के लिए, उस ग्रुप को सभा कहा गया। इस सभा को कई सारे छोटे छोटे उप समितियों में बांटा गया, मतलब कमिटी में। जैसे छह लोग का मेंबर बना दिए, इस ग्रुप में से छह लोग को लिए, बोले भाई तुम्हारा पानी का कमिटी है, तुम लोग पानी पूरा गांव में समझना, तुम लोग रोड पूरा गांव में समझना, तो उसको रोड कमिटी हो जाएगा। क्लियर है, कमिटी को हिंदी में समिति कहते हैं। अगला समझते हैं। इसके बाद साउथ इंडिया में ऐसा गांव जहां पे ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं था, या जहां ब्राह्मण नहीं रहते थे, गैर ब्राह्मण किसान रहते थे, तो वहां की जो ग्राम सभा थी, वहां के लोगों का जो एक असेंबली था, उस गांव के लोगों का जो एक असेंबली था, उस असेंबली को हम लोग उर कहते थे। उस असेंबली को क्या कहते थे? उर कहते थे। ऊ अर उर, ठीक है। अब उर जो है, उसमें कोई काम होता था तो उस उर में से छह लोग को निकाले, तुम जल कमेटी, तुम रोड कमेटी, ऐसे कर दिए। क्लियर है। तो साउथ इंडिया का प्रशासन कुछ ऐसे भी चलता था, ठीक है। अब एक ही बात बस बचा है कि कॉमन पीपल कैसे थे उस समय साउथ इंडिया में। कॉमन पीपल, नॉर्मल लोग कैसे थे, साधारण जनता कैसी थी, इसके बारे में राजा लोग उतना लिखवाता नहीं था। तो लिखवाता कौन था? तो जो नॉर्मल कवि वगैरह होते थे, लेखक वगैरह होते थे, वो लोग अपने किसी किसी नाटक में लिखते थे। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ पे आई होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास का है। किसका है? कालिदास का एक नाटक है, एक ड्रामा है। कालिदास को बोला जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। मतलब बहुत ही ज्यादा रोमांटिक रोमांटिक चीज वो लिखते रहते थे, तो इसीलिए उनको शेक्सपियर कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत जो कि एक राजा है, शकुंतला जो कि एक नॉर्मल लड़की है, उन दोनों का प्यार दिखाता है, ठीक है। और शकुंतला जो कि एक नॉर्मल लड़की है, राजा उससे चुप चुप के मिलेगा, उसको फिर अपना एक अंगूठी देगा कि इसको रख लो, शकुंतला रख लेगी। उसके बाद शकुंतला से वो जो अंगूठी है वो गुम हो जाएगा, पानी में कहीं गिर जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद एक मछुआरा को मछली के पेट में वो मिलता है वो अंगूठी, और उसके वजह से उस मछुआरा का थोड़ा बहुत बेइज्जती होगा, यही कहानी है। तो कालिदास जब ये लिखते हैं ना, तो जो राजा का डायलॉग है, जो शकुंतला का डायलॉग है, ये सबको वो संस्कृत में लिखते हैं, मगर जो मछुआरा का डायलॉग है या लोकल लोगों का, उसको प्राकृत में लिखते हैं। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि साधारण लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, ये कालिदास दिखाना चाहे, और साधारण लोगों का उतना इज्जत नहीं था, है ना। तो ये हो गया। सिमिलरली फाहियान भी जो बुक लिखते हैं फुकू की, जो उनका यात्रा वृत्तांत है, ट्रेवलॉग है, या ट्रेवलर्स अकाउंट जिसको हम लोग कहते हैं, तो फाहियान जो है वो बताते हैं कि जब हम यहाँ पे गए, चंद्रगुप्त द्वितीय व काटक ये लोग के हिसाब में था ना गुप्ता डायनेस्टी, तो वो बताते हैं कि जब हम यहाँ पे गए तो हम देखे कुछ ऐसे लोगों को, जब वो रोड पे जाते थे ना तो डम 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 बजाते जाते थे, क्या लकड़ी से कुछ लकड़ी उठाते थे और किसी चीज पे मारते हुए जाते थे, ढोल पे एक तरीके से कस कस के। तो फिर फाहियान पता करने का कोशिश किए कि आखिर ये पीटते पीटते क्यों चलते हैं पूरे रोड पे, तो पता चला कि एक ये ऐसे लोग हैं जिनको ये सोसाइटी अछूत मानता है, यानी अनटचेबल मानता है, ठीक है। और अनटचेबल मानता है, और नियम ऐसा है इन अछूतों के लिए कि अगर तुम लोग को बहुत अर्जेंट पड़ जाए और गांव में जाना पड़े, तो तुम लोग डमरू बजाते हुए, मतलब ढोल बजाते हुए या किसी मोटा सरफेस पे लकड़ी से मारते हुए जाना, ताकि जो बड़े वर्ग के लोग हैं, जो अपर कास्ट है, वो लोग छुप जाए और तुम लोग से छुआए नहीं। तो ये एक घटिया सा मेंटेलिटी था जो कि फाहियान भी नोटिस करते हैं। फाहियान कौन है? तो फाहियान एक चाइनीज ट्रेवलर है जो चंद्रगुप्ता सेकेंड गुप्ता डायनेस्टी में आए थे। बाणभट्ट के बारे में समझते हैं। बाणभट्ट के बारे में ये सारा कहानी है, उसमें आप लोग पढ़िएगा। बाणभट्ट हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। वो लिखते हैं कि जब राजा की सेना जाती है, जब राजा की सेना मार्केट में, गांव वगैरह में घूमने फिरने निकलता है सब, तो लोगों को चमचई में गुड़ देना पड़ता है, शहद देना पड़ता है, कपड़ा लत्ता सब देना पड़ता है। अब कुछ लोग तो खुशी खुशी देते हैं क्योंकि वो राजा से प्यार करते हैं, कुछ लोग बड़ा ही दुखी मन से देते हैं, उनको देने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर भी डर से देते हैं कि चूंकि सब लोग दे रहा है तो हम भी दे देते हैं। दूसरी बात बाणभट्ट कहते हैं कि ये देख के तो बड़ा मजा आता है जब राजा की सेना नगारा बजाते हुए, बिगुल बजाते हुए, हाथी वगैरह पे चढ़ के जा रही होती, तो देखने में बड़ा सुंदर होता है,
बट जब वो क्रॉस कर जाता है उस गांव को, तो पीछे जो गांव बचता है, झोपड़ियां टूट जाती हैं, किसके वजह से, हाथी उस पे चढ़ गया, पूरा भगदड़ सा मच जाता है, गांव एक विध्वंस रूप में आ जाता है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है, गांव का पूरा जो व्यवस्था है वो सिस्टम ही खराब हो जाता है। क्लियर है? तो ये था बाणभट्ट के द्वारा राजा की सेना पे एक माने एक टिप्पणी। ठीक है, तो आपका ये जो पूरा चैप्टर है ये खत्म हो गया। जो आपका चैप्टर है क्लासिक्स के हिस्ट्री का न्यू किंगडम एंड एम्पायर, अब इसमें कोई बात एक्स्ट्रा नहीं है, आप लोग इसको देखिएगा, पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, खुद से क्वेश्चन आंसर कीजिए, और जो कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।